चले विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने त्रिकोणमिति का खास प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं और यह टेंथ के लिए नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए, टेन पाई बाई टू है, तो टेन पाई बाई टू है तो पाई का मतलब आप समझ लीजिए, पाई होता है डिग्री में, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो यह हो जाएगा टेन, और पाई बाई दो है, पाई बटा दो तो काट दीजिए, कितना हो जाएगा 90। यह आपके सामने आ गया टेन 90, और टेन 90 का मतलब होता है अपरिभाषित। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है इसका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक बटा रूट अंडर तीन किसका मान होता है? तो टेन 60 का बात करें तो रूट तीन होता है, कॉस 45 एक बटा रूट दो होता है, साइन 30 की बात करें एक बटा दो होता है, टेन 30 की बात करें एक बटा रूट अंडर तीन होता है। तो इसका मतलब यह हुआ ना, इसका मतलब यह हुआ कि एक बटा रूट अंडर तीन मान हो जाएगा टेन 30 का। किसका मान होगा भाई? तो टेन 30 का मान होता है एक बटा रूट अंडर तीन हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, एक डायरेक्ट सूत्र याद रखिएगा, यह होता है टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मान होता है एक। यहां से अगर सेक स्क्वायर इधर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, और माइनस है उधर जाएगा तो प्लस, तो सेक स्क्वायर माइनस वन का वैल्यू क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न समझते हैं क्या है। सवाल नंबर क्या? सवाल नंबर चार, और साइन पाई बाई फोर और माइनस कॉस पाई बाई फोर, पाई मतलब 180 और पाई बाई फोर है, इसका मतलब फोर से डिवाइड करेंगे 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो, यहां साइन पाई बाई फोर मतलब 45, कॉस 45, साइन 45 का मतलब कितना होता है बच्चों? एक बटा रूट अंडर दो, कॉस 45 का मतलब एक बटा रूट अंडर दो। अब आप देखो, एक बटा रूट अंडर दो, एक बटा रूट अंडर दो जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा जीरो। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये वैसे प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा में पूछने का प्रबल संभावना रहता है और एकदम बेहतरीन है। आप देख सकते हैं बगल में 16 एनुअल में कंपार्टमेंटल 15, कंपार्टमेंटल 15, ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं, साइड में दिखाई दे रहा होगा। ए प्लस बी बराबर 90 दिया है, कॉस ए का मान पूछ रहे हैं। देखो भाई, ए प्लस बी 90, ए का मान अगर हम कहें तो 90 माइनस बी हो जाएगा। ए प्लस बी का मान 90 दिया है तो ए का मान निकालिएगा तो 90 माइनस बी हो जाएगा। उसके बाद हमें, हमारे पास क्या, कॉस ए पूछ रहे कि कॉस ए क्या होगा, तो कॉस और ए के जगह 90 माइनस बी हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा किस चीज का सूत्र होता है? साइन थीटा। थीटा की जगह क्या है? बी है। क्या हो जाएगा भाई? साइन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या उत्तर होगा भाई? साइन बी। कोई दिक्कत? ए प्लस बी का मान 90 था, मैंने यहाँ ए का मान निकाल दिया, 90 माइनस बी हो गया। कॉस ए निकालना था, ए का मान 90 माइनस बी रख दिया, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा का सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यह आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। 3 थीटा बराबर 90, तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, 3 थीटा का मान 90 है तो थीटा हो जाएगा 90 बटा 3, काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कितना? कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा की जगह 30 हो जाएगा, तो कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा भाई? तो कॉस थीटा का मान हो जाएगा रूट तीन बटा दो। तो इसका सही जवाब आप देख पा रहे हैं, रूट तीन बटा दो हो जाएगा। ठीक है, क्या किया गया? तो 3 थीटा का मान यहाँ दिया हुआ था, 3 थीटा का मान दिया था, तो थीटा का मान हो गया कितना? 30। तो कॉस थीटा पूछ रहा है, कॉस 30, और कॉस 30 का मान रूट तीन बटा दो हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलो, यह सवाल है हमारे सामने, 1 प्लस टेन स्क्वायर डायरेक्ट सूत्र होता है सेक स्क्वायर। 1 प्लस टेन स्क्वायर किसका मान होगा? सेक स्क्वायर का मान होगा। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? आइए अब नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए भाई, एक बटा रूट अंडर तीन, अभी आपने पढ़ा था कि यह मान होता है टेन तीस का, किसका मान होता है टेन तीस। लेकिन आप कहिएगा सर इसमें तो कहीं तीस उस न दिखाई दे रहा है, तो कहीं तीस उस न दिखाई देना तो उपाय है डिग्री को पाई में बदलना है, तो पाई बटा 180 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा पाई बाय 6 हो जाएगा। तो टेन पाई बाय 6 का मान हो जाएगा एक बटा रूट अंडर तीन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टेन पाई बाय 6 का मान होता है एक बटा रूट अंडर तीन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहां दिखाई दे रहा होगा, रूट तीन का मान दिया हुआ है, तो अगर हम यहां से कोसेक निकालते हैं तो दो बटा ए रूट तीन है ना नीचे आ जाएगा। आप बताइए ना कोसेक कितना का मान है, कोसेक कितना का मान दो बटा रूट अंडर तीन होता है, यह होता है 60 का, कोसेक 60 का मान होता है। तो दोनों तरफ से कोसेक हटा दीजिए तो थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री। क्या होगा भाई 60 डिग्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है इसमें, हमें नहीं लग रहा है कि डाउट होने वाला है, मान याद है एकदम धकाधक बनेगा आपसे। यहाँ रूट तीन कोसेक बराबर दो दिया था, हमें कोसेक निकालना है तो दो गुणा में है तो क्या हो जाएगा बटा में होगा। तो फिर आप देखो दो बटा रूट अंडर तीन किसका मान होता है, कोसेक 30 का मान होता है, कोसेक 60 का मान, तो कोसेक 60 का मान बैठा दिया गया और दोनों तरफ से कोसेक हटेगा तो थीटा का मान 60 डिग्री हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 9 का ए नंबर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर देखिए, यहां 1 प्लस 10 स्क्वायर देख पाएंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर मान होता है किसका सेक स्क्वायर का, ठीक है, बटा में क्या है कोसेक स्क्वायर है, क्या है भाई कोसेक स्क्वायर, सेक नीचे आएगा तो हो जाएगा कोस, क्या हो जाएगा कोस, कोसेक जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा साइन, ठीक है। तो साइन बटा कोस किस चीज का मान होता है टेन स्क्वायर का, किस चीज का मान टेन स्क्वायर का, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई डाउट इसमें, हमें नहीं लग रहा कि कोई डाउट होने वाला है। यहाँ 1 + 10² सूत्र याद रखिए सेक स्क्वायर का, फिर कोसेक है बटा में रहने दो, कोसेक नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो कोसेक जब ऊपर जाएगा तो साइन हो जाएगा और सेक नीचे आएगा तो कॉस हो जाएगा। तो अब साइन बटा कॉस क्या होता है टेन होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये डी है ऑप्शन नंबर डी। यहां देखिए रूट दो बराबर क्या है, कॉस थीटा बराबर वन है, तो थीटा का मान पूछ रहा है, रूट दो कॉस थीटा बराबर वन है, तो यहां से देख पाइएगा आप, यहाँ कॉस थीटा बराबर एक बटा रूट अंडर दो हो जाएगा, एक गुना में है नीचे भाग में हो जाएगा। अब कॉस कितना का मान होता है, तो कॉस 45 का मान होता है, एक बटा रूट अंडर दो, दोनों तरफ से कॉस हटा दो, थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई डाउट इसमें, एकदम है ऑल आउट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक वीडियो में प्रत्येक दिन हम लोग 30 क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, प्रत्येक दिन 30 क्वेश्चंस, और ये 30 क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास है यह 1 प्लस कॉट स्क्वायर, जरा ध्यान दीजिएगा 1 प्लस कॉट क्या होता है, यह होता है कोसेक, क्या होता है कोसेक होता है, ठीक है। और यह देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, शायद एकदम सेम तो वैसे ही है, एक कोसेक ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर, कोसेक नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर। देखो कोसेक के ठीक उल्टा साइन होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, इसीलिए सेक ऊपर जाएगा तो कॉस और कोसेक नीचे आएगा तो साइन, कॉस भाई साइन क्या होता है कॉट स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई कॉट स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब अगले प्रश्न की ओर हमें चलना चाहिए, बहुत आसान तरीका से बता रहा हूं मैं आपको। ये देखो भाई साइन दिया है, कॉस का मान पूछ रहा है, कुछ मत करो, कॉस थीटा का सूत्र होता है रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, बस मान बैठा दो, कॉस थीटा का मान पूछ रहा है ना, तो कॉस थीटा होता है रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर, वन माइनस साइन का मान है 3/5 है, कैलकुलेट किया जाए 1/9/25 भिन्न का किया जाए, 25 से कम 25, अब 25 में से 9 गया तो 16/25,
16 का वर्गमूल 4 और 25 का 5, 4 बटा 5 इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4/5। क्या किया गया तो साइन दिया है, कॉस पूछ रहा है, बस कॉस का सूत्र मैं जानता हूं, आप भी जान लीजिए, रूट अंडर 1 - sin² होता है, तो 1 माइनस और साइन का मान बबुआ कितना होगा, 3/5 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 25 में 1 से गुना 25 में से 9 गया तो 16/25, 16 का 4 और 25 का 5, क्लियर है, आंसर आपका यह आ गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यह देखो बहुत महत्वपूर्ण, यह कम्पिटेटिव परीक्षाओं में भी बार बार पूछता है और 10 में तो पूछता ही है, दोनों में से 9 कॉमन ले लो क्या, इधर बचेगा sec स्क्वायर थीटा, इधर बचेगा tan स्क्वायर थीटा, अब आप देखो भाई ए हो जाएगा 9 और sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का मान 1, 9 में 1 से गुना होगा तो क्या 9 हो जाएगा, तो यह उत्तर आपका 9 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इसमें मैंने क्या किया, 9 कॉमन ले लिया, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बचा, इसका फॉर्मूला होता है 1, तो 9 × 1 = 9 आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 15 नंबर देखिए, यह क्वेश्चन आपके सामने है, 2 sin 38 / cos 52। अब आप देख लीजिए भाई, ये जो है साइन 38 है, कॉस 52 है, थीटा अलग अलग है ना, तो देखो करेंगे क्या, साइन रहने दो, 90 में से कितना घटाएंगे कि 38 आएगा, 90 में से कितना घटाएंगे कि 38 आएगा, तो 52 घटाएंगे तब ना 38 आएगा जी, 90 में से 52 घटाएंगे तो 38 आएगा, एक कॉस 52 है तो रहने दीजिए। अब देखिए यहां मैंने क्या लिखा कि यहाँ साइन है तो साइन रहने दिया, मैंने देखा कि दोनों अलग अलग है थीटा का मान और साइन का पूरा कॉस होता है, तो एक को आप चेंज कर लीजिए, साइन को लिख सकते हो साइन 90 माइनस कितना घटाओगे कि 38 होगा, तो 52, और आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ये 90 के बाद वाला थीटा कहलाता है, तो अब ऐसे कंडीशन में साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, थीटा माने 52 और बटा में क्या है कॉस 52, ये कटेगा तो आंसर आपका हो जाएगा 2, क्या हो गया भाई, तो आंसर हो जाएगा 2, देखिए तो कहां है, यहां पर मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2, ठीक है, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यहां देख सकते हैं tan थीटा रूट 3 दिया हुआ है, क्या करना है, tan थीटा रूट 3 दिया हुआ है, देने दो, अब तुम बताओ यहां tan है तो इसको भी tan के रूप में देखो, tan कितना का मान रूट 3 होता है, तो tan 60 का मान रूट 3 होता है, तो थीटा का मान हो गया कितना डिग्री, 60 डिग्री, इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 डिग्री, बिल्कुल सही जवाब है, क्लियर है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब, एक वीडियो में हम लोग 30 प्रश्नों को लाएंगे ताकि वीडियो छोटा हो और लेकिन काफी प्रभावशाली हो, देख पाएंगे बगल में पूछा गया प्रश्न कब कब पूछा गया सब कुछ विजिबल है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन है, आप देख पाएंगे कॉस 60, कॉस 60 का मान बबुआ कितना होगा, 1/2 हो जाएगा, ये भी देखिए 1/2 - 1 हो जाएगा, 1/2 में 1 जोड़िएगा तो 2 में 1 से तो 2 और 2 है 3/2 हो जाएगा, भिन्न का करो 2 में 1 से तो 2, 1 में से 2 गया तो -1/2 कटेगा, -3 इसका उत्तर हो रहा है, कितना होगा भाई -3, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई डाउट, मैंने बस मान मिटा दिया, cos 60 का 1/2 होता है, बस 1/2 + 1, 1/2 - 1, अब क्लियर कर लीजिए, भिन्न का कीजिए 3/2, ये -1/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा बबुआ -3 हो जाएगा, क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर, tan 60, ये तो सबको याद होगा, tan 60 का मान होता है √3 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो तुम डायरेक्ट भी बना सकते हो, साइन का पूरक क्या होता है कॉस, अब पूरक समझ लो, जैसे साइन का पूरक जो होता है वह कॉस होता है, कॉस का पूरक जो होता है वह साइन होता है, टैन का पूरक जो होता है वह कॉट होता है, और कॉट का पूरक जो होता है वह टैन होता है, सेक का होता है कॉसेक पूरक होता है, और कॉसेक का पूरक होता है सेक, तो मैं एक डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं, साइन का पूरक क्या है कॉस है, क्लियर। साइन का पूरक जब कॉस है तो जब पूरक मिल जाए ना, आई कोण जोड़कर 90 आ जाए तो मान 1 हो जाएगा, या 18 72 जोड़ोगे तो 90
और साइन का पूरक कॉस है तो हमेशा इसका मान क्या आएगा, एक आएगा। ध्यान रखिएगा, ए पूरक मिल गया, पूरक जोड़िएगा तो 90, तो मान इसका हो जाएगा एक। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अब जो है आपके सामने क्वेश्चन नंबर आ गया 20। बस अब देखो टैन ए किसका मान होता है, मैंने कहा पूरक जो होता है, पूरक टैन का पूरक क्या होता है, कॉट होता है। कॉट 90 माइनस ए बराबर होता है क्या, टैन। जो भी पूरक है ना, जैसे साइन कॉस का पूरक है तो हम लिखेंगे साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन, टैन 90 माइनस ए बराबर कॉट, कॉट 90 माइनस ए बराबर टैन, सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक और कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक। पूरक का सूत्र ऐसे ही होता है। तो एक कॉट 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, टैन, बिल्कुल सही जवाब है। और यह तो मैंने आपको बताया था अभी, और ऐसे ही बना सकते हो। कैसे, कॉस निकालना है तो दो तरीका है, जो तरीका आप चाहते उस तरीका से हो जाएगा। एक माइनस साइन वाला का स्क्वायर करो, तीन का स्क्वायर 9, चार का स्क्वायर 16, भिन्न का करो, 16 में 1 से 16, 16 में से 9 गया तो 7 बटा 16, 7 का नहीं निकलेगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, रूट 7 बटा 4। ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। ठीक है, क्या किया मैंने, कॉस निकालना था तो रूट अंडर साइन वाला का स्क्वायर किया गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 1 से 10 16, 16 में से 9 गया तो 7 बटा 16, 7 का रूट नहीं निकलेगा, 16 का 4 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें किसका मान जीरो होता है, निम्नलिखित में से किसका मान जीरो होता है, तो इसमें जीरो किसका होगा मान, कॉस 90 का मान, किसका, तो कॉस 90 का मान क्या होता है, कॉस 90 का मान होता है जीरो। ठीक है, अब देखो भाई, अब 23 नंबर सवाल आपके सामने है, कुछ नहीं करना है। कॉस ए बराबर दिया है 3/5, क्या दिया है 3/5। मैं आपको बता दूं कॉस का सूत्र होता है बी बटा एच, क्या होता है बी बटा एच। त्रिकोणमिति में कभी भी आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में पी बी एच होता है, तो बी और एच का मान दिया है, आप क्या निकालिएगा, पी का मान क्या होता है, एच स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर, यह हो जाएगा 25 घटाओ 9, रूट अंडर 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4। आपके सामने बी का मान 3 है, एच का मान 5 है और पी का मान है 4। अब निकालना है टैन ए का मान, क्या निकालना है भाई, टैन, टैन होता है पी बटा बी, क्या होता है भाई पी बटा बी, तो पी का मान है 4 और बी का मान बबुआ कितना है 3 है, तो 4/3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, कितना होगा 4/3। क्या किया, तो कॉस का मान 3/5 दिया है, कॉस का सूत्र होता है बी बटा एच। ठीक है, पी निकाल लो, रूट अंडर 5 स्क्वायर घटाओ 3 स्क्वायर, कैलकुलेट करने पर 4 आ गया। टैन का मान पूछ रहा था तो टैन होता है पी बटा बी, पी का मान 4 और बी का मान 3, इस प्रकार से उत्तर यह हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह क्वेश्चन को देख लो, करे कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है, साइन का मान ए है, कॉस का मान बी है, तो फिर इसमें क्या करना है। आप जानते हैं, आप एक बात जानते होंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान होता है 1, तो इसका मान कितना है ए हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, इसी से जो रिलेटेड उत्तर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो भाई, एक माइनस ए स्क्वायर हो तो जाएगा, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो यहां से देखो, अगर हम ए स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो बी स्क्वायर बाय 1 माइनस ए स्क्वायर यह आ जा रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, तो एक घटा ए स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है बी स्क्वायर, यह उत्तर भी सही है। और आप देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर ए नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, लेकिन इस पर देखिए अगर रूट है इधर स्क्वायर भेजें तो एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, तो ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि एग्जैक्ट जो उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हालांकि इसके अनुसार रूट अगर चढ़ाएं तो ए भी उत्तर गलत नहीं है। और इस प्रकार इसमें दो उत्तर अवेलेबल हैं, लेकिन आप लास्ट का कैलकुलेशन देखा जाए तो यह है और इस पर रूट उठ है नहीं, इसलिए यह उचित होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आसान है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का मान होता है 1, याद रखिएगा ये सूत्र है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का मान कितना होगा भाई, तो यह होगा 1 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर दिया है 3, दिया है ना,
तो इधर से कॉट थीटा होगा, ये तो स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, ठीक है। अब कॉट कितना का मान रूट अंडर तीन होता है, कितना का मान, तो 30 का मान होता है, कितना का मान 30 का, तो कॉट दोनों तरफ से हटा दो तो थीटा का मान हो जाएगा 30, क्या होगा तो थीटा का मान हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, सेक का मान दिया है, टेन का मान पूछ रहा है, टेन का मान पूछ रहा है, तो दो तरीका है, एक तो डायरेक्ट आपके पास सूत्र अगर याद है तो हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन हो जाएगा, रूट अंडर इसका स्क्वायर करो, पांच का स्क्वायर 25 है, तीन का स्क्वायर 9 माइनस वन, रूट अंडर 25 घटाओ 9 में एक से तो 9 बटा में 9, रूट अंडर 16 बटा 9, 16 का 4 और 9 का हो जाए 3, तो 4 बटा 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, क्लियर है। तो आपने क्या किया, तो टेन ए निकालना था तो रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस वन कर दिया, सेक का मान दिया है 5 बटा 3 स्क्वायर करोगे तो 25 बटा 9 माइनस वन, भिन्न का करोगे तो 4 बटा 3 इसका उत्तर आ गया, इसमें कोई दोराई नहीं है, ये ठीक हो गया, तो 4 बटा 3 इसका सही जवाब आ जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और हम लोग का कोटा टोटल रहेगा 30 एक दिन में, तो ये रहेगा 28 नंबर सवाल की ओर चलें, और इसका दूसरा मैं एपिसोड बनाऊंगा जिसमें और 30 प्रश्न होंगे, कुल मिला के 90 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, और 90 प्रश्न कर लेने के बाद हमें नहीं लगता है कि आपका मैथ के त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव में कोई समस्या होने वाला है, तो सभी प्रकार के प्रश्न 90 प्रश्न में आ जाएंगे। तो ये फर्स्ट एपिसोड था आज का, टेन स्क्वायर किसका वैल्यू होता है, तो टेन स्क्वायर किसका वैल्यू होता है, तो ये देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, ठीक है। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2, 3, 4 है, कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ो, सबसे छोटा कोण पूछ रहा है ना, तो जोड़ो 3 × 2 = 5 × 5 = 9, ठीक है, 9 बराबर, त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है टोटल, तो 9 बराबर 120 काटिएगा तो 1 बराबर हो जाएगा 20 डिग्री, 1 बराबर क्या हो जाएगा 20 डिग्री, और सबसे छोटा कोण है 2 है, तो 1 का मान 20 है तो 2 का मान 40, तो सबसे छोटा कोण हो जाएगा 40। एक बार देख लो, 2, 3, 5, 2, 3, 4 है ना, जोड़ दो 5, 4, 9, 9 अनुपात का मान 180 क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, काटिएगा तो 1 अनुपात का मान हो जाएगा 20, तो सबसे छोटा कितना अनुपात है 2 / 20 = 40 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का आखिरी क्वेश्चन, और बहुत ही छोटा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मान होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो ये रहा कुल आज का 30 प्रश्न, बाकी कैसा लगा यह वीडियो जरूर कमेंट करके बताइए, और अगले एपिसोड में अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, अगला एपिसोड में फिर 30 प्रश्न त्रिकोणमिति का बनाऊंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और दोस्तों में जरूर बताएं, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।